सर, ये बताएंगे कि जिस तरह शहर में पानी की दिक्कत कई आ रही है और कई जगह पर पानी नहीं मिल रहा है, आपके वार्ड में भी पानी की दिक्कत बहुत बड़ी है और अभी कल ही एक बड़ा एक धरना हुआ, कुछ नगर सेवकों ने नगर पालिका के सामने धरना दिया पानी की दिक्कत को लेकर, क्या मानना आपका, क्या कहना है इस पर? पहली बात, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिवनी शहर के अंदर जो आज किल्लतें आ रही है पानी के लिए, जो मसला है आज मेरे वार्ड में अंदर शिवराम नगर, साई नगर, आदिवासी पाड़ा, हलवा पाड़ा है, हनुमंत चौधरी की चाल है, मेरी चाल है खुद की, उसके बाद में हनुमंत नगर है, रामू शेट की चाल है, जूनी ताराली है, यहाँ पे पानी की बहुत सारी किल्लतें। हमने बार बार ये कहा है कि जो पानी आज हमने को कम पड़ रहा है, क्या तुम जो अपने डैम से कम पानी आ रहा है या वो लोग कुएं को कम पानी दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई अपना ध्यान नहीं है। अपनी जो जितनी ज़रूरतें हैं उतनी भी आपने पूरा अभी 30 घंटे का कटौती किया है, उसके अंदर अपना पूरा अपना उधर कोई आदमी नहीं होने के कारण अपने को कम और मीरा भाईंदर और थाना को ज़्यादा पानी जाता है, तो ये भी देखना जरूरी है कि अब पानी की जो किल्लतें आ रही है आगे चल के, अभी धूप का महीना है, अभी इतनी जरूरत अभी ज़रूरत है तो फिर धूप में क्या होगा। ठीक है, भिवंडी महानगर पालिका जिस तरह से निधि से लेकर काम कर रही है, कई जगहों पे निधि दी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो निधि, ये जो कमिश्नर है, ये पूरा कमिश्नर महापौर के दबाव के अंदर आके ये काम कर रहा है, हमारा ऐसा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि ये हमने एक एक, एक, एक पेपर निकाला है नियोजन समिति के ऊपर, हमारे जितने कब्रस्तार हैं उनकी मरम्मत करो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदू शमशान भूमि है, बौद्ध शमशान भूमि है, उनकी मरम्मत क्यों के लिए तुमने क्यों नहीं भेजा प्रस्ताव? मतलब ये कोई ना कोई जो महापौर है ये कोई ना कोई ऐसी राजनीति कर रहा है कि अपनी मतलब आवाम की बात ही कर रहा है, दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा है, ऐसा तो उस पद पर होने के कारण बात वो उन्होंने सबको एक साथ देखना चाहिए, लेकिन आज हमको ऐसा ये हो रहा है। कल मैंने इनके ऊपर अवगत भी करवाया कमिश्नर से कि ये तुम्हारी भूल है, कब्रस्तान के लिए निधि दो, हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन तुमने हिंदू शमशान भूमि और बौद्ध शमशान भूमि के लिए क्यों नहीं निधि मांगी? तो मैंने बोला कि हमारी जो ताराली की शमशान भूमि है बद से बदतर हालत में है, तो उसके लिए हमने बार बार तुमको निवेदन दिया है, पत्र लिखा है, लेकिन आपने कुछ नहीं काम किया है। उसके बाद में हमने उधर दफन भूमि हमारे खर्चे से बनाई है, तो कहीं ना कहीं निधि देने में भेदभाव नजर आ रहा है। भेदभाव भी है, दूसरी बात है ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कल नगर सेवक धरने पे बैठे उनके, क्या बाबा हमारे वार्ड में पानी आ रहा है, हमारे इधर भी पानी नहीं, हमको भी अभी धरने पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्या है परिस्थिति ऐसी बद से बदतर होती जा रही है। कत्तल खाने के लिए तुम 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रहे हो, और इधर जिधर मूलभूत सुविधा है पानी है वो मूलभूत सुविधा में आता है, साफ सफाई के बारे में तो आप बोलेंगे तो इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। क्या हमारे जो धोराल तालाब का पानी, जो ड्रेनेज का पानी, हम लोग के पद्मानगर है, मंडी का पट्टा है, निजामपुरा का पट्टा है, वहाँ पे ड्रेनेज का लोग पानी पी रहे हैं। मैंने आपको उसका वीडियो भी मैंने निकाला, मैं देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो न होते, तुम कत्तर खाने के लिए 20 करोड़ रुपया मांग रहे हो, इससे अच्छा 5 करोड़ में अपना साफ सुंदर अपने को पानी मिलेगा, साफ सफाई के लिए काम करो। वो गुलवे मैडम तो भ्रष्टाचार इतना उनका बढ़ गया है कि गुलवे मैडम ने जितना भ्रष्टाचार किया है इस भिवंडी शहर के अंदर, ऐसा कोई ऑफिसर अभी तक आया नहीं कि उसने उतना भ्रष्टाचार किया है। हमने तो ये भी मांग की कि अगर इसको अगर तुमने तत्काल हटाया नहीं तो हम लोग उसके खिलाफ धरने पर बैठे।